नमस्कार, ओएनआई न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बेल राया खीरी। उत्तर सिंहासन की बेल राया रेंज के रणनगर गांव में वन विभाग की ओर से खाई खोदना शुरू करने पर गुस्साए ग्रामीणों ने की मारपीट, जिससे करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए और ग्रामीण भी वहां से फरार हो गए। घटना से सीमा पर तनाव के हालत बन गए हैं। ग्राम रणनगर के वन विभाग द्वारा अतिक्रमण की भूमि पर खाई खोदे जाने पर कब्जा लिए जाने को लेकर ग्रामीणों तथा वन विभाग में संघर्ष हो गया, जिससे जेबीसी मशीन के शीशे टूट गए तथा वन कर्मियों को भी चोटें आई हैं। इसी बीच हुई मारपीट में आधा दर्जन कर्मचारी वन विभाग के चोटिल हो गए हैं, जिनको तिकनिया पीएससी पर उपचार के बाद घर भेज दिया गया। दहशत के चलते गांव के लोग पलायन कर गए हैं। बुधवार को दोपहर 1:30 बजे ग्राम नगर में मजरा गांव गौड़ी के निकट रेंज दिनेश बड़वाला एसटीपीएफ के उप सेना नायक अभिनव यादव की मौजूदगी में वन विभाग जेबीसी मशीन से खाई खुदवा रही थी। इसी बीच अपनी रोजी रोटी में दखल देकर की ग्रामीण महिलाएं लाठी डंडा लेकर की खुदाई का पूत करने लगी। इस पर महिला ने मशीन रुकवा दी, जिसमें ड्राइवर वीरेंद्र कुमार के साथ मारपीट होने लगी। इसी बीच किसी ग्रामीण द्वारा चलाए गए पत्थर से जेबीसी मशीन के शीशे टूट गए और पत्थर जेबीसी चालक को लगा। ग्रामीणों ने लाठी डंडा लेकर के विरोध किया, जिससे जेबीसी मशीन के ड्राइवर वीरेंद्र कुमार सहयोगी अवधेश कुमार, वन दरोगा सतीश कुमार, वन रक्षक रमा शंकर पांडे, वाचर अनवरत अली, हकीमुद्दीन राजेश को गंभीर चोटें आई। घटना की सूचना पर कोतवाल हनुमान प्रसाद सिंगाही पुलिस तथा तहसील प्रशासन में एसडीएम ओपी गुप्ता और तहसीलदार डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे सहित तमाम पुलिस व वन कर्मी मौके पर पहुंच गए, जिससे भयभीत होकर के ग्रामीण गांव छोड़ करके भाग गए। घटना को लेकर के बॉर्डर के गांव में भारी तनाव बना हुआ है।